जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन करेंगे तो हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपने पूछा है, उसका उत्तर है इस वीडियो में। आपने पूछा है कि मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन कैसे बनाएं। नेचुरली आपने यूपीएससी की, पीसीएस की तैयारी के संदर्भ में पूछा है, लेकिन ये जीवन का संदर्भ है। कंसंट्रेशन कैसे बनाएं, किसी काम में मन कैसे लगाएं, और इसके साथ साथ मन लगाए कैसे रखें। मन लगाया तो लगता नहीं, लग गया तो भटक जाता है, भटक गया तो दोबारा वापस नहीं आता। ये पंछी तो गया, उड़ा तो उड़ा। समस्या ये है, आपने रोंडा बर्न की वीडियो द सीक्रेट अगर देखी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना है, और कुछ नहीं सुना तो शाहरुख खान की मूवी तो देखी होगी। फिल्मों के नाम मुझे जल्दी याद नहीं रहते, मैं देखता सब हूँ लेकिन मुझे जल्दी याद नहीं रहते, तो इस मामले में याददाश्त कमज़ोर रहती है। अंदर की बातें याद रहती हैं, और वो भी सोशल ऑब्जर्वेशन याद रहते हैं। जब तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आगे तुम्हें पता है मिलाने में लग जाएगी। अगर तुमने ये कैरियर शिद्दत से चाहा है, शिद्दत से चाहा है, शिद्दत पूरी ज़बरदस्त तरीके से, तो मजाल नहीं है कि मन ना लगे, मजाल नहीं है कि कंसिस्टेंसी ना बने, मजाल नहीं है कि अगर थोड़ा सा बीच में व्यवधान आया तो दोबारा मन ना लगे। सवाल ही नहीं उठता, कोई प्रश्न नहीं उठता। आपका मन लगा नहीं है, मन नहीं लगा है तो यही होता है। मन कैसे लगे, किससे मन लगता है, मन आपका लगता कहाँ है, पहले तो ये सोचो। जिन बातों में मन लगता है तो क्यों लगता है, इसलिए कि वे आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट से जुड़ी हुई बातें हैं। मूल भावनाएं जैसे कि भूख, प्यास, नींद और सेक्स, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें मन इनमें लगता है। खाने की चीज़ों मन लगता है, मोटे हो जाते हैं फिर भी गोलगप्पे खाए जाते हैं, बर्गर से फूल गए हैं लोग फिर भी बर्गर खाए जा रहे हैं, देख उसमें मन लगता है। स्वाद इंद्रिय, नींद में मन लगता है, सोने में आनंद आता है, सुबह उठने का मन ही नहीं करता। मेरा नहीं, उन लोगों का जो प्रश्न पूछते हैं बहुत सारे। सोने मन लगता है, स्नूज उन्हीं के लिए होता है, मैं तो स्नूज का यूज़ ही नहीं करता। अलार्म ने एक टिन से करता है अलार्म, फ़ोन या घड़ी, मैं उठ बैठता हूँ, खट से उठ के अपना काम शुरू कर देता हूँ। 12 मिनट्स में तैयार हो जाता हूँ मैं, आज से नहीं हमेशा से, 12 मिनट्स में आई विल बी रेडी। सोते से उठ के 12 मिनट्स चाहिए मुझे रेडी होने के लिए, नहा धो के, ब्रश करके, सब कुछ तैयार होके एकदम फिट। आई नीड ओनली 12 मिनट्स, क्योंकि मन लगता है। इसलिए मन लगता है कि मुझे कोचिंग में जाना है, मुझे पढ़ाना है, ये मेरी पसंद का काम है, तो इसलिए मन लगता है। सोने में क्या आनंद है यार, कुछ भी नहीं है, वो तो मजबूरी में सोना है। कभी कभी तो इतना इंटरेस्ट अगले दिन के लिए, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है, अगले दिन मुझे ये करना, ये करना, रात की नींद उड़ गई थी। 1.5 महीने तक करीब मुझे जो है अनिद्रा का शिकार रहा, तमाम सारा मैनेजमेंट करना था कि लैपटॉप्स में कैसे क्या, किस किस चीज़ में क्या क्या डालना है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, अलग अलग ग्रुप्स, गूगल के पेजेस और उसके फेसबुक के और इसके उसके सारे कैसे बनाना है, ग्रुप्स बनाना है, दिमाग में इतना सारी योजनाएं चल रही थी। आई एम द वन मैन और आर्मी, शिखर IAS अकेडमी की मैं वन मैन आर्मी हूँ, वन एंड ओनली वन। सफाई कर्मचारियों के अलावा दूसरा कोई यहाँ नहीं है, ना यहाँ कोई क्लर्क है, ना यहाँ कोई फैकल्टी है, ना यहाँ कोई दूसरा मेरा साथी है, कोई भी मेरा साथ नहीं बटाने वाला है। स्टूडेंट्स मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मेरे साथ दें, मेरे जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स अपनी इच्छा से कुछ फेसबुक ग्रुप चलाते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए चलाते हैं, वो उनकी इच्छा है, जब बंद करें कर दें, जब चलाएं चलाएं, मैं उनसे नहीं कहता, उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है, वो चलाते हैं। तो ये वन मैन आर्मी में मुझे इंटरेस्ट आता है। आई एम द कमांडर ऑफ माई आर्मी, मैं अपनी आर्मी का कमांडर हूँ, मैं ही इस आर्मी का सैनिक हूँ। तो कमांडर से लेकर सैनिक तक मैं हूँ, पीर, बावर्ची, भिष्टी, खर, सब कुछ मैं हूँ। आप भी बनिए, मज़ा आ जाएगा, लाइफ मैनेज हो जाएगी, जीवन सुधर जाएगा। अपने जीवन के मैनेजर खुद बनिए, दूसरों के हाथ मत सौंपिए, स्वयं बनिए, प्रबंधन स्वयं करिए।
इतना इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, कल मुझे इतना करना है, कल मुझे इतना इतिहास भूगोल पढ़ना है, कल मुझे इतना करंट अफेयर्स करना है, कल मुझे ये नोट्स बनाने करिए, कि नींद तो आएगी इसलिए केवल आएगी कि भाई रेस्ट कर लो, थक गए आज, सुबह एकदम फटाक से नींद खुलेगी, ये नहीं। अगर आप स्नूज का यूज़ करते हैं, फिर 10 मिनट बाद फिर दबाया, फिर 10 मिनट बाद घड़ी बोल रही है, आप नहीं उठ रहे, मम्मी पापा हिला हिला के नीचे डाल दे रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं, आप आईएएस करियर मत चूज़ करिए, ये आपके लिए नहीं है, नहीं निकल पाएंगे। और निकल भी गए धोखे में कहीं किसी तरह से, किसी तरह तुक्का मार के और एनी हाउ कुछ करके, हालांकि कोई नहीं निकलता ऐसे, तो नौकरी नहीं कर पाएंगे, आपके लिए नहीं है फिर ये। अगर आप नींद जो आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट है उसके गुलाम, अगर आप भूख के गुलाम हैं, बुभुक्षा भूख इसके गुलाम हैं, तो भी बड़ा कठिन। आप खाते ही रहेंगे हर वक्त, अपच होगी, गैस बनेगी, टेंशन होगा, पेट के अंदर गड़बड़ियाँ मचती रहेंगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे। पेट हमेशा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जैसा पेट होता है वैसा मस्तिष्क होता है, यथा भोजन तथा विचार, आपके विचार नहीं आएंगे। अगर आप भोजन के गुलाम, स्वल्पाहारी गृह त्यागी काक चेष्टा बको ध्यानम, सारा लगभग सभी ने पढ़ रखा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। भूख के गुलाम हैं, भोजन के गुलाम हैं, भोजन भट्ट हैं, आईएएस पीसीएस आपके लिए नहीं है। वही हाल प्यास का है, प्यास में पानी पियो ठीक है, अगर पानी के अतिरिक्त आप अपने को जगाने के लिए चाय पियो, कॉफ़ी पियो, कोई नुकसान नहीं, मेरे हिसाब से मुझे कोई नुकसान नहीं होता, आपको होता हो आप डॉक्टर से राय ले, मेरी राय पर ना चले, मुझे कोई नुकसान नहीं होता, मुझे जब मर्जी होती मैं चाय पीता हूँ, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, और मैं कुछ नहीं पीता। अगर आप कुछ और पीने के अभ्यस्त हैं, ड्रिंक्स लिकर्स, आईएएस पीसीएस आपके लिए नहीं है, कृपया दूर रहें, किनारा कर लें, आपके लिए नहीं। अगर आप सोचते हैं कि ड्रिंक करके और जो है तरह तरह के व्यसन करके आप आईएएस पीसीएस बन जाएंगे, ये करियर बहुत पवित्र है, बाद में जाके आप कितने ही भ्रष्ट और अपवित्र हो जाएं वो आपके ऊपर है, लेकिन ये करियर बहुत पवित्र है, ये तपस्या है, जो नहीं करते वो फेल हो जाते हैं, फिर कोसते हैं दुनिया भर को, तमाम सारे नाचने जाने आंगन टेढ़ा वाली बातें करते हैं। इसलिए पहले अपने अंदर झांकिए, मैंने 35 नॉर्म्स बताए हुए हैं कि 35 बातें अगर आपके अंदर हैं तो आप बनने लायक हैं, ये 35 बातें अगर नहीं हैं तो बनने लायक नहीं हैं। ये 35 बातें मैंने फेसबुक पर डाली हुई हैं, शिखर आईएएस इन्फो सेंटर के नाम से फेसबुक है, उसको सर्च करिए, उसको पूरी वॉल स्क्रॉल करिए, कहीं ना कहीं मिलेगा, ना मिले मुझसे पूछिए, जब ना मिले तब पूछिए, नहीं तो मैं जवाब नहीं देता, तो इसलिए पहले पूरी वॉल सर्च करिए। मेरे ग्रुप्स हैं, पेजेस हैं, शिखर आईएएस इंटरव्यू मेंटर है, शिखर आईएएस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर सिविल सर्विसेज है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, तो उनको आप जो करिए, अगर आप उनको करते हैं देन यू विल फाइंड। तो नींद, भूख, प्यास, और चौथी चीज़ तो सबसे बड़ी बेसिक इंस्टिंक्ट है सेक्स, अगर आप इसके गुलाम हैं तो फिर कैसे कर पाएंगे आप? आप अगर इसमें, आपने बहुत सारी मित्रताएं कर रखी हैं और आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं अगर, तो इन्हें पोस्टपोन करिए, थोड़ा लाइफ पड़ी हुई है, पूरा जीवन पड़ा हुआ है, इन्हें पोस्टपोन करिए। ठीक है, आप अगर अपनी उत्तेजनाएँ निकालने के लिए कुछ साधन इस्तेमाल करते हैं तो करिए, डॉक्टर्स से राय लीजिए, डॉक्टर्स कभी मना नहीं करते। ठीक है, अपनी उत्तेजनाएं शांत रखिए, उत्तेजित रहेंगे पढ़ नहीं पाएंगे, उत्तेजनाएं शांत रखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सेक्सुअल रिलेशंस बनाएं, मेरी राय है कि ना बनाएं, मेरी अपनी राय है, इससे सहमत होना आपका बिल्कुल ज़रूरी नहीं, अगर आप सहमत ना हो तो ठीक है, आपका जीवन है, मेरा जीवन है, मैं इस बात को बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे इन वर्जनाओं की ज़रूरत नहीं थी, जब मैंने तैयारी की तो मैं मैरिड था, मुझे कोई समस्या नहीं थी, आई वॉज मैरिड, बहुत कम उम्र में शादी हुई, तो इसलिए जो है अब आज के समय में शादी का समय ही बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है, तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन क्या है कि ये बेसिक इंस्टिंक्ट ऐसी है कि इसमें केवल शारीरिक संबंध नहीं होता, मानसिक जुड़ाव भी होता है, पजेशंस भी होते हैं, जलन भी होती है, जेलसी भी होती है, और तमाम सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको पढ़ने नहीं देती हैं। इससे बेटर है कि वो उत्तेजना किसी न किसी प्रकार से शांत कर ली जाए और इन पचड़ों में ना पड़ा जाए तो बेटर है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, और उन चीज़ों को मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑथेंटिक पर्सन से राय लेनी चाहिए। जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि आईएएस पीसीएस की राय आईएएस पीसीएस से लीजिए, जो आपको मिलते नहीं है तो मुझसे लीजिए, मैं खुद हूँ, मैं पीसीएस हूँ, आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ, तो मुझसे राय लीजिए,
फिर लोग उस राय लेंगे तो क्या बताएंगे। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि मैं चिकित्सक नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। आपको राय लेना है तो ऑथराइज पर्सन से राय लीजिए, स्पेशल मेडिकल राय लीजिए तो डॉक्टर से राय लीजिए। उन्हें बताइए कि मेरी समस्या है, मेरे अंदर सेक्स के विचार बहुत ज़्यादा आते हैं और मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं इससे वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, डॉक्टर से राय लीजिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से राय लीजिए, कोई बुराई नहीं है। साइकोलॉजिस्ट से राय लेने का मतलब ये नहीं कि आप कोई पागल हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट से मिलने का मतलब है कि मैं पागल हूँ, पागल नहीं। मन आपके भी है तो मनोवैज्ञानिक से राय लेनी चाहिए, शरीर होता है तो शरीर वैज्ञानिक से राय लेते हैं, फिजियोलॉजिस्ट से, तो मन की राय लेनी है तो मनोवैज्ञानिक से लेनी, कोई बुराई नहीं है, आप उसकी राय लीजिए, कोई कुछ नहीं कहने वाला। और कोई कुछ कहे तो ज़्यादा परवाह मत किया करिए, अपनी जीवन है, अपने जीवन का प्रबंधन आपके हाथ में, आप अपना जीवन प्रबंधित करिए। मन क्यों नहीं लगता, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, जैसे लिखने में पैराग्राफ चेंज करते हैं। मन क्यों नहीं लगता, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती, क्योंकि कैरियर को आप दिल से चाहते नहीं, शिद्दत से चाहेंगे तो मिलेगा, आप चाहते ही नहीं। आपने चाहा कब है, अगर आप शिद्दत से चाहें तो मिलेगा, आपको ये पता ही नहीं कि आप बनेंगे क्या। तैयारी करना शुरू कर देते हैं और तैयारी के नाम पर वही बात जो मैं बार बार दोहराता हूँ, रीजनिंग मैथ शुरू कर देते हैं, रीजनिंग मैथ से कोई आईएएस नहीं बनता, फिर आप कहते हैं मन नहीं लगता। फिर जब आप गहरे सब्जेक्ट उठाते हैं तो फिर और लगता है कि मन नहीं लगता। अपने व्यक्तित्व का परीक्षण कर लीजिए, ध्यान से सुनिए मेहरबानी करके मेरी बात, व्यक्तित्व का परीक्षण कर लीजिए। आपके अंदर आदर्श गुण नहीं है अगर, तो आपको डेवलप करने पड़ेंगे। मैं तो करता हूँ शिखर में, 15 महीने में अपने स्टूडेंट्स को बहुत बेहतर बना देता हूँ, जो बनना चाहते हैं उन्हें, जो बनना ही नहीं चाहता मैं क्या कर सकता हूँ। आपके अंदर साहित्य, कला, दर्शन, संगीत या फाइन आर्ट्स में किसी तरह की रुचि, डांस, ड्रामा, राइटिंग, पोइट्री वगैरह, ये सब रुचियाँ हैं तो आप बिल्कुल फिट हैं आईएएस बनने के लिए, आपका मन लगेगा। लेकिन अगर आप खेलों में रुचि लेते हैं, आउटडोर गेम्स में रुचि लेते हैं, अपना समय नष्ट करते हैं दोस्तों में, अपना समय नष्ट करते हैं गर्ल्स या बॉयज़ का पीछा करने में, या इसको पाने में, उसको पाने में, इसकी गर्लफ्रेंड छीनने में, उसका बॉयफ्रेंड छीनने में, लिकर्स को यूज़ करने में और नशे के रहने की आदत में, या तमाम सारी बातों में, फालतू की पॉलिटिक्स डिस्कस करने में, बिना मतलब के राजनीतिक दलों से निष्ठा बताते हैं और तमाम सारी बातों में आप बायस्ड हैं, आप आईएएस कैरियर के लिए नहीं हैं। मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ आपके, अपने हित में अपने कैरियर नष्ट मत करिए, अपने साल बर्बाद मत करिए। मैं आप इसीलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आपके हित में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि छोड़ दीजिए कैरियर, आपके लिए नहीं। इसके लिए बहुत आदर्श कैरियर चाहिए, मन लगता है। हम एक हल्का संगीत सुन रहे हों, हम एक अच्छी सी बातें सुन रहे हों, अच्छी चीज़ें देखते हों, अच्छे चैनल देखते हों, अच्छा वार्तालाप सुनते हों। भगवान बुद्ध ने कहा अष्टांग मार्ग, हम अष्टांग मार्ग का पालन करते हों। किताबों में से निकाल लीजिए, नेट पर सर्च कर लीजिए, एट फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग क्या है, पढ़िए। सम्यक वचन, सम्यक उपासना, सम्यक ज्ञान, सम्यक व्यायाम, तमाम सारी चीज़ें हैं, उन सब यहाँ पर मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन सम्यक हर चीज़, जीवन का, जीवन की हर बात सम्यक होनी चाहिए, प्रॉपर। एट फोल्ड पाथ अपनाइए, मन लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। आपके अंदर अगर क्षमाशीलता नहीं है तो मन कैसे लगेगा। जैन धर्म के पंचशील अपनाइए, क्षमाशीलता नहीं है तो मन कैसे लगेगा। आप प्लीज़ बोलने में आप पर बड़ा बोझ पड़ता है, सॉरी आप कभी कहते नहीं, थैंक यू कहना तो बड़ा पाप है, तीन बातें आप कभी नहीं इस्तेमाल करते, आप तो टेंस रहेंगे हमेशा। अगर ये तीन बातें इस्तेमाल करेंगे तो टेंस नहीं रहेंगे, आप टेंशन से दूर रहेंगे तो मन लगेगा, मन लगेगा कंसिस्टेंसी रहेगी, तो इस्तेमाल करिए क्षमावाणी। इसीलिए अगर कोई अपराध किया है ना किया है, जैन धर्म क्षमावाणी में विश्वास करता है, क्षमा त्यौहार होता है उनका, इसीलिए होता है, कितनी बढ़िया बात है, उनको अपनाइए। तमाम सारे बजाय इसके कि जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में ज़रा प्रसाद चढ़ाया जाके, वरना तो कहाँ के हनुमान जी, कौन हनुमान जी, हु इज़ हनुमाना, हु इज़ रामा, तब तो ऐसे बोलेंगे, और नहीं तो मंदिर में सामने प्रणाम करके भगवान ये कर देना, भगवान ये कर देना, कुछ आवश्यकता नहीं है। मन में केवल एक चीज़ धारण करिए, केवल एक एक बात का ध्यान है खाली, सबका सृजनहार, सबको पैदा करने वाला, सबको जन्म देने वाला एक ही है, चाहे किसी धर्म में हो एक ही है, उसको ध्यान कर लिया करो थोड़ा। बाप का भी बाप है वो, लोग बाप को ही भूल गए, अरे चलो बाप को भूल गए लोग, बाप के बाप के बाप के बाप को तो याद रख लो भाई। परमपिता परमेश्वर सभी चराचर का पिता है, उसको एक बार ध्यान करोगे शांति मिलेगी, मन लगेगा।
कंसिस्टेंसी रहेगी, शिकायत दूर हो जाएगी। एक ओंकार सतनाम, एक नाम है ओंकार, वही उसकी सारे आराधना करते हैं। गावे ब्रह्मा, गावे इंद्र, ब्रह्मा इंद्र सब उसी की उपासना कर रहे हैं। उसको याद करो, किसी को याद करो। धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि मन, मन महत्वपूर्ण है। शांति के लिए आपको कुछ खास नहीं करना पड़ता, केवल अशांति से दूर रहना पड़ता है। आप अशांति में तो दलदल में फंसे हुए हो और चाहते हो कि शांति मिले, मन कहाँ से लगेगा, कंसिस्टेंस कहाँ से मिलेगी। अगर एक सुंदर वीणा सितार की झंकार चल रही हो, एक बहुत अच्छा सा गायन चल रहा हो, एक सिंगिंग चल रही हो, एक शांतिपूर्ण ढंग से समंदर में जैसे लहरें उठती हैं ऐसे अगर एक संगीत चल रहा है बैकग्राउंड में और आप पढ़ रहे हैं, देखें मन कैसे नहीं लगेगा। अब आप सुनेंगे भांगड़ा और तमाम सारी चीज़ें सुनेंगे इस तरह की, ठीक है, जब आपकी बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, मौज करो, मस्ती करो, धमाल मचाओ, पढ़ते समय ये सब सुनोगे तो, सीरियल देखोगे पढ़ते समय तो मन नहीं लगेगा, मूवी देखोगे तो मन नहीं लगेगा, हल्का संगीत सुनोगे तो मन लगेगा। मेरी बात अलग है, मैं तो डिस्को में और माइकल जैक्सन चला के भी पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ना मेरे ब्लड स्ट्रीम में है। हमारे बहुत से लोगों के ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन के साथ साथ में स्टडी घुट्टी में दी हुई होती है, वो स्थिति है। कैसा भी संगीत चला रहे, मैं दुनिया के सारे जॉनर्स पसंद करता हूँ, सब तरह के जॉनर्स पसंद करता हूँ, और मैं कुछ भी सुन सकता हूँ, और धमाल से लेके और शांतिपूर्ण म्यूज़िक तक सब कुछ मैं अपना सारा काम कर सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं, वो मेरे ब्लड में है। इसलिए आपके ब्लड में अगर है बहुत अच्छी बात है। एक बहुत सॉन्ग हुआ करता था देवानंद की फिल्म का कि संगीत का जो प्रेमी वो किस्मत वाला है, मनपसंद एक फिल्म आई थी कभी, उसमें था ये। तो संगीत प्रेमी तो किस्मत वाले हैं ही। अब जिनमें संगीत ही नहीं है, येषां न विद्या न तपो न दानम, क्या कह सकते हैं, क्या है क्या नहीं, रूखे सूखे लोग हैं, संगीत से कोई लगाव नहीं है। लगाव खाली क्रिकेट से है, जो बिना मतलब के ठुक पिट कर रहे हैं इधर से उधर, उससे लगाव है। भगवान के नाम पर खाली वो सचिन तेंदुलकर को ही गॉड मानते हैं खाली, ये कोई गॉड थोड़ी होते हैं। ना अमिताभ बच्चन गॉड है, ना सचिन तेंदुलकर गॉड है। दे आर गुड परफॉर्मर्स, दे आर एक्सीलेंट परफॉर्मर्स इन देयर ओन फील्ड, दे आर नॉट गॉड। गॉड को जाना नहीं, ईश्वर को बड़े बड़े सन्यासी जो साधु नहीं जान पाए, बड़े बड़े दिव्य अवतार नहीं जान पाए, उस ईश्वर को सीधे कह दिया एक इंसान के लिए कि ईश्वर है। अगर ऐसे विचार आपके हैं तो आप कहाँ से, आप ईश्वर की शरण में कहाँ से जाएंगे। ईश्वर रिटायर नहीं होता, ईश्वर की मृत्यु नहीं होती है, ईश्वर रिटायर नहीं होता, ये सब सांसारिक प्राणी हैं, ईश्वर समझने की भूल मत करिए। इतने छोटे विचार अगर होते हैं, इतना मतलब निम्न स्तर की बुद्धि जब होती है तो क्या कहा जा सकता है। रोल मॉडल आप क्रिकेट वाले को बना रहे हैं, आप बना रहे हैं रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर को, या जो अभी हाल में तमाम, हमें तो नाम भी नहीं, बिकॉज आई नेवर लाइक स्पोर्ट्स बट रादर आई हेट स्पोर्ट्स, तो मुझे तो नाम भी ठीक से पूरे याद नहीं रहते कौन कौन है कौन नहीं है, बात करते करते याद आ जाए तो भले मैं बता दूंगा। तो इनको तो आप रोल मॉडल मान रहे हैं, बनना चाहते हैं IAS, अरे रोल मॉडल मानना है, निशांत जैन को मानो, रोमन सैनी को मानो जो अभी अभी बन चुके हैं, मुझे मत मानो भैया पुराने हो गए, नए नए लड़कों को तो मान लो जो अभी अभी बनते जा रहे हैं। टीना डाबी का नाम लेने पर तो जो बवाल खड़ा हो जाता है। रोल मॉडल इनको मानना हो तो मानो, लेकिन अपने को मानो, यू आर योर ओन रोल मॉडल। उनसे गुण ग्रहण करो, कितने अच्छा बोलते हैं, कितने शुद्ध विचार हैं, कितने बढ़िया विचार हैं, कितना हेल्पिंग एटीट्यूड है, ये सब सीखो। लेकिन ये क्या है कि जो है रोल मॉडल मान लिया उस फील्ड के लोगों को जो फील्ड आपका है ही नहीं। आपका फील्ड, बहुत से लोग हैं फिल्म स्टार्स को रोल मॉडल मान लेते हैं, गलत बात है। फिल्म स्टार आपको रोल मॉडल में क्या सिखाएंगे, उनके रोल जो होते हैं किसी फिल्म में वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर अच्छे रोल हैं तो वैसे बनिए लाइफ में, उनको रोल मॉडल मानने से क्या फ़ायदा। प्रशंसा करिए कि उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है, ये घमंड नहीं है, नार्सिसिज्म नहीं है। बी ग्रेड की हीरोइन, एक किसी यूट्यूब देखने वाले ने किसी लिख रखा था कि आप बी ग्रेड की हीरोइन की तरह अपने को प्रमोट करते हैं। एक्चुअली जो जो कुछ देखता है वही तो दिमाग में रहता है उसके, वो बी ग्रेड की फिल्में देखते होंगे, वही हीरोइनें उनके दिमाग में रहती होंगी, अर्धन अग्न वाली जो है वो प्रमोट करती होंगी अपने को, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो
आपके हाथ में YouTube बटन स्विच ऑफ करने का तो बटन होता ही है सभी में, चेंज करने का, कौन सी प्रॉब्लम है? ये कोई ज़बरदस्ती चढ़ के चैनल तो आता नहीं है सर पर कि नहीं घर में देखना ही देखना है, हर हालत में इतने देर तक दिखेगा। तो ये देखिए कि मैं जो बताता हूँ वो मेरी लाइफ में बता रहा हूँ आपको, आपको अगर मुझसे सीखना है सीख लीजिए, नहीं सीखना है आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते मैं आपको समय तो दे ही रहा हूँ इसीलिए दे रहा हूँ। बहुत से लोग लाइक करते हैं, हज़ारों लोग लाइक करते हैं, हज़ारों मैसेज मेरे पास आते हैं और फेसबुक और सारे पेजी से ग्रुप्स मिला के तो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और वो लोग सब मुझे पसंद कर रहे हैं। तो जो पसंद कर रहे हैं तो उनके लिए है, जो नापसंद करते हैं तो ज्वलनशील प्राणी होते हैं बहुत सारे, इनफ्लेमेबल मटेरियल, हाईली इनफ्लेमेबल, लाल कलर का टैंकर, ऐसे टैंकर होते हैं बहुत सारे लोग, हाईली इनफ्लेमेबल, अंदर एक माचिस डाल लो भड़क जाए, वो पहले से भड़क के रहते हैं, उनकी बात यहाँ नहीं हो रही। उनके लिए तो तुलसीदास जी कह गए, पुनि बंदों खलगन सती भाए, जे बिन काज दाहिने बाएं। तो उनकी भी वंदना की ही जाती है हमेशा कि भाई किनारे बैठो यार, आने दो हवा आने दो, बाकी लोगों को आने दो, बेकार जगह घेरे हो फालतू में और कोई फायदा नहीं। तो भाई मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मुझे पसंद करने वालों, आप लोगों से मेरा यही कहना है, अच्छे विचार रखोगे, अच्छे काम करोगे, सम्यक दृष्टि रखोगे, सबका आदर करोगे, किसी से जलोगे नहीं, सबका सम्मान करोगे, क्षमा की भावना रखोगे, करने की भी और मांगने की भी, और अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने की भावना रखोगे, शांत रहोगे, प्रशांत महासागर की तरह बने रहोगे और बड़े आराम से बहुत कुछ कर पाओगे। और अगर इन सब का उल्टा करोगे कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ करियर मिल जाएंगे जिनमें कि छोटी मोटी नौकरी या जो भी, जब छोटी मोटी कहते हैं बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं कि छोटी मोटी, हमारे लिए तो यही ड्रीम है, ठीक बात है उनके लिए वो ड्रीम है, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ IAS PCS एस्पिरेंट से, ना हम SSC की बात कर रहे हैं, ना BEd की बात कर रहे हैं, ना किसी की। लाइफ मैनेजमेंट ये फिलहाल इस चैनल पे जब तक आ रहा है तो मैं दे रहा हूँ, तब तक ये UPSC के लिए है। एक और चैनल मेरा है जो कि आनंद प्रदीक्षित के नाम से, इसमें भी वो नाम डालना मैंने शुरू किया है, मैंने अपना एक पेन नेम आनंद प्रदीक्षित रखा है। आनंद मैं फील करता हूँ ब्लिस, इसलिए आनंद प्रदीक्षित, प्रमोद दीक्षित, प्रदीक्षित, और प्रदीक्षित का मतलब एक और होता है जिसको अच्छी सी दीक्षा मिली हुई हो। मुझे मेरे माता पिता ने और मेरे गुरुओं ने बहुत अच्छी दीक्षा दी है, मैं उनका आभारी हूँ, इसलिए प्रदीक्षित मैंने कहा है अपने को। तो आनंद प्रदीक्षित ये नाम धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है, इस नाम से एक चैनल का निर्माण भी किया गया है और उसमें ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो फिलहाल तो इतना ही, थैंक यू।